90 मई के एरोली की फ्रांसी लवाज 8 साल की मासूम जो स्कूल में पढ़ती थी, अपहरण कर उसकी हत्या किए जाने के बाद पूरे शहर में शोक सा माहौल है। इस मामले के मद्देनजर स्कूल विद्यार्थियों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। स्कूल जाने और फिर लौटे विद्यार्थियों की जानकारी अभिभावक तथा स्कूल व्यवस्थापन को होना जरूरी है, जिसके लिए ठोस उपाय योजना निकाले जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। नवी मुंबई के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ये बात गंभीरता से लेते हुए बुधवार को पक्ष के पदाधिकारी ने इस संदर्भ में नवी मुंबई आरटीओ अधिकारी संजय धायगुड़े से मुलाकात की और मांगों के विषय में निवेदन अधिकारी को सौंपा। इस निवेदन में अभिभावकों, शिक्षकों की जिम्मेदारी समेत स्कूल शिक्षण परिवहन विभाग के नियमों को सामने रख के विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए उपाय योजना लाने की मांग की गई है, जिसके लिए स्कूल में सीसीटीवी कैमरास, जीपीएस प्रणाली को अमल में लाने की जरूरत मनसे ने व्यक्त की। इस विषय पर उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने सकारात्मक भूमिका जताकर अपनी प्रतिक्रिया दी। चांगली जनजागृति सगळ्या स्तरावरती, म्हणजे पेरेंट्स टीचर्स असोसिएशन असेल, शाळा प्रशासन असेल, एज्युकेशन डिपार्टमेंट असेल किंवा पालक असेल, या सगळ्यांच्या दृष्टीने एक वर्कशॉप घेण्यात यावं की जीपीएस आणि सीसीटीव्ही या दोन्हींची तरतूद स्कूल बस रूल्समध्ये नाही आहे, परंतु हे जे निवेदन आलं आहे त्या अनुषंगाने एक प्रस्ताव शासनाकडे मी सादर करणार आहे की या तरतुदी जर रूलमध्ये केल्या तर त्याची अंमलबजावणी फोर्सफुली करता येऊ शकेल। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सूरज भगत के साथ शेखर हंप्रेस की रिपोर्ट।